thank <laughs> you एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इफ़ यू डोंट नो मी आम पूजा और आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो तो वीडियो का टाइटल देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि एम गोइंग टू टॉक अबाउट तो आज मैं बात करूँगी मेकअप ब्रशेस के बारे में सो so, जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं या फिर बिगिनर भी हैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं जानती हैं सीख रही हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज मैं शेयर करूंगी कि आपको कौन कौन से मेकअप ब्रशेज़ लेने चाहिए कौन कौन से नहीं लेने चाहिए वैसे तो हम बहुत सारे खरीद लेते हैं बट उनकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है और फिर वो रखे रह जाते हैं तो आपको पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ लास्ट में मैं बताऊंगी अपने बेस्ट ब्रशेज़ के बारे में तो वो भी वो भी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये है ब्रशेस मेरे जो कि मैंने ख़रीदे थे आई थिंक थ्री इयर्स अगो तो ये अभी भी चल रहे हैं मेरे और इनको मैं फ्रीक्वेंटली वॉश भी करती हूँ वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसमें से मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से ऐसे हैं जो लेने हैं और कौन कौन से नहीं लेने तो आपको ये पूरा किट लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में अलग से भी ब्रशेज आते हैं और कुछ छोटे पैक्स भी आते हैं जिसमें होते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के ब्रशेज़ तो आप उनको देख के लें कि कौन कौन से आपको ब्रशेज की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे ट्रस्ट मी तो जो सबसे पहला ब्रश है ना वो है ये एंगल ब्रश ये वाला ब्रश है तो ये कुछ इस तरीके का ब्रश होता है आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा एंगल है तो ये मोस्टली यूज़ होता है कॉन्ट्रोलिंग के लिए कॉन्ट्रोलिंग के लिए जिससे हम कॉन्ट्रोल करते हैं अगर कॉन्ट्रोलिंग वाला वीडियो आपने मेरा अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे उस वीडियो को ज़रूर से देखिए और मैं आई बटन में भी दे दूंगी आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रोलिंग के लिए अगर आपके पास ये ब्रश नहीं ना तो ट्रस्ट में आप कॉन्ट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे हाथों से उतनी अच्छी नहीं होती है तो आपको ये वाला ब्रश ज़रूर से ज़रूर लेना आप जब भी कोई भी किट लें तो उसमें ध्यान रहे कि आपको ये ब्रश उसमें मिलना ही चाहिए तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो ये ब्लश के लिए है तो ये कुछ ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है और आपके ब्लश को ना बहुत अच्छे से ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है तो नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रश है तो आप जब भी कोई किट लें तो देखें ज़रूर कि आपको ये थिक वाला ब्रश जरूर से ज़रूर मिलना चाहिए अगर आपका कोई छोटा किट है तो उस साइज़ छोटा हो सकता है बट येस ये बहुत ज़्यादा ब्रश तो हमारा थर्ड ब्रश है ये आई ब्रशो ब्रश तो जब भी आप देखते होंगे ना सेलिब्रिटीज को या फिर आप बहुत सारे पार्लर्स में भी जाके सलॉन्स में भी देखते होंगे ना तो आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप घर पे वैसा नहीं कर पाते ना तो इसका मतलब है आपके पास राइट right ब्रश नहीं है तो राइट right ब्रश के लिए आपको ये वाला चाहिए तो ये कुछ ऐसा होता है छोटा सा होता है और बिल्कुल ये ऐसा होता है मैं दिखाती हूँ आपको ये कुछ इस तरीके का होता है और ये कुछ आ, ऐसा दिखता है तो ये वाला जो ये वाला ब्रश होता है ना वो आपके आई शेडो को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है अगर आप यहाँ पे क्रीज एरिया में अगर करेंगे ना तो इस जगह पे ये आपके आई शेडो को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है उसके बाद जो आईलेट्स पे यहाँ पे होता है ना वहाँ पे तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं बट ये वाला ब्रश जरूर होना चाहिए आपके ट्रांजिशन कलर को अच्छे से ब्लेंड करने में और बहुत अच्छा क्रीज एरिया बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है तो आपको ये वाला ब्रश ना इस तरीके का ये ब्रश तो ज़रूर से ज़रूर आपको मस्ट हैव है अगर आप आई शेडो बहुत अच्छा लगाना चाहते हैं बहुत अच्छा दिखे तो ये वाला जो है ये वाला ब्रश ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हमारा नेक्स्ट ब्रश है ये हाइलाइटर के लिए तो ये ये भी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ये मिलता है किसी भी किट में ना तो ज़रूर से ज़रूर वो किट परचेज़ कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे किट में नहीं आता है बट ये बहुत अच्छा होता है अगर अगर आपको ना वो नेचुरल फिनिश वाला ग्लो चाहिए हाइलाइटिंग के लिए ना तो बहुत अच्छे से ये हाईलाइट करता है इस एरिया को आपके और इस एरिया को भी यहाँ पर और हाईलाइटिंग के लिए ना ये बेस्ट ब्रश है मतलब ये इतने अच्छे से आपके चीक्स को और चिन को हाईलाइट करता है ना बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है तो ये हाईलाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रश है तो ये वाला भी ब्रश आपके पास होना तो है मेरा है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रश है जो कि है फाउंडेशन के लिए तो ये कुछ ऐसा दिखता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने में आपकी हेल्प करता है तो जो स्मूथ फिनिश वाला टेक्सचर अगर आपको चाहिए तो आपके पास ये वाला ब्रश होना चाहिए ब्लेंडर के साथ साथ तो ब्लेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला ब्रश फाउंडेशन ब्रश भी तो आपको ये सारे जो फाइव ब्रशेस होते हैं ना ये आपको जिस भी किट में मिलें जिस भी किट में ये वाले ब्रशेज़ मिलते हैं आप तुरंत से तुरंत वो परचेज़ कर लीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो मैं आपको इस वाले ब्रश का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं ये बहुत अफोर्डेबल है और अगर आप चाहें तो छोटे किट भी यूज़ कर सकते हैं छोटे किट भी आप ले सकते हैं कुछ ये वाले ब्रशेज आपको मिलने चाहिए उसमें और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है येट वेरी अफोर्डेबल है तो मैं इसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी आप वहाँ से चेक कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये थे मेरे बहुत ज़्यादा हाईली मतलब रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो कि ब्रशेज हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं अगर आपको मेकअप करने का शौक़ है ना तो आपके पास ये ब्रशेस तो होने ही चाहिए तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं तो आज के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल येट वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आई होप आप सबको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सबके साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ टिल देन बाय टेक केयर